अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 2। पहले पद से दूसरे पद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम पद प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें दो बहुपद दे रखे हैं, एक दे रखा है gx = x² + 3x + 1 और दूसरा दे रखा है fx = 3x^4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। हमें दिया हुआ है ये दोनों fx और gx। हमें fx में gx का भाग देना है, यानी इस फंक्शन के अंदर इस वाले का भाग देना है और ये बताना है कि ये जो है इस फंक्शन का एक गुणनखंड है या इस बहुपद का ये बहुपद एक गुणनखंड है। तो ये कब होगा? यदि gx का भाग fx में देने पर शेष पर शून्य प्राप्त होता है तो gx fx का एक गुणनखंड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि इस fx के अंदर इस gx का भाग देंगे और यदि भाग देने के उपरांत शेष पर शून्य प्राप्त होता है, या यूं कह सकते हैं हम कि इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है, शेष पर शून्य होगा और जब शेष पर शून्य होगा तो ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है gx और जिसमें भाग देना है वो ये हमने लिखा 3x^4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में हमें भाग देना है x² + 3x + 1 का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको कोई भी व्यंजक या कोई भी बहुपद दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी जो है बड़ी से छोटी घातों में हम उसको लिखते हैं। यहाँ हालांकि व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है तो अब हम भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जिसमें भाग दिया जाता है उसका पहला पद यानी 3x^4 यानी इस जिसमें भाग दिया जाता है उसका पहला पद ये ले लिया, जिससे भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है तभी ये नियम लागू होगा। फिर जिसका भाग दे रहे हैं यानी ये वाली राशि हमने यहाँ से ली और जिसका भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद, तो यहाँ x² है इसमें इसका भाग लेने पर जो पहला मान आ रहा है वो आपका देखना है कि x² है, यहाँ x² है, यहाँ नीचे कोई अंक नहीं है तो ये कट के आपके पास में होगा 3x² बचेगा। यानी यहाँ 4 घात थी, यहाँ 2 घात है, 4 में से ये 2 घात कम हो गई तो 2 रह गई x की और ये 3 ऐसे किसी रह गया, तो ये वाला जो मान है वो हमारे ये आ गया। तो ये कैसे प्राप्त होता है वो हमने सीखा कि यहाँ से हम ये लेंगे और यहाँ से पहला लेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, जो भी भाग बुलाता है वो यहाँ लिख लेंगे। अब उसके आगे वाला जो पद है वो कैसे, अब ये नीचे वाली राशि कैसे है? तो अब ये जो भाग फल आया यहाँ पे उसको हम पूरे पद से गुणा करेंगे, वो देख लेते एक बार। x² + 3x + 1 इसको हमने किया गुणा, इससे 3
एक्स स्क्वायर से, तीन एक्स स्क्वायर से हमने गुणा किया पहले एक्स स्क्वायर से, तो तीन तो ऐसे कैसे ही, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की घात चार, अब इससे गुणा हो गया, अब हम करेंगे तीन एक्स से, प्लस लगाया, तीन एक्स को तीन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो तीन को तीन से गुणा किया तो नो, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब, ये से गुणा हो गया, अब हम करेंगे एक से गुणा, यानी तीन एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये जो मान है वो ये वाला मान है जो यहाँ प्राप्त होता है, ये कैसे आता है वो हमने देखा यहाँ से, और यहाँ जो मान आएगा वो हमने देखा इधर से, तो इस तरह से अब हम जब ये मान यहाँ से लिखेंगे 3x इंटू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अब इसमें से ये घटा देंगे, ये माइनस, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, यानी जो भी चिन्ह आपके पास में यहाँ लगे हुए उनके विपरीत चिन्ह कर देते हैं नीचे, अब ये आपके पास 3x की घात 4 और ये भी 3x की घात 4 है और ये माइनस में थी, खत्म, आपके पास शेष हो गया तो x की घात 4 वाला पद खत्म हो गया, अब यहाँ देखिए आप ये प्लस 5x क्यूब है और यहाँ माइनस के 9x क्यूब है, तो ये वाला कम है ये माइनस वाला ज़्यादा रह गया, आपके पास शेष रह गया माइनस के 4x क्यूब, यहाँ आप देखिए ये ऊपर 7x स्क्वायर माइनस का है और नीचे वाला भी माइनस का रह गया 3x की घात 2, तो ये दोनों ही माइनस माइनस होने से ये बढ़ गई, दस एक्स स्क्वायर हो गए, और शीश वालों को हमने ऐसे कैसे उतार दिया प्लस 2x प्लस 2, तो ये एक स्टेप पूरी हो गई, अब अगले स्टेप के लिए जो यहाँ तरीका हमने उपयोग में लिया वो हो गया, कि अब आपके पास में ये बच गया ऊपर वाला पद, अब ये कैसे आए उसके लिए वही नियम, यहां पहला पद जो इसका है वो है माइनस का 4x क्यूब, यहां आपके पास पहला मान है x स्क्वायर, जब इसमें इसका भाग दिया तो हमारे पास यहाँ तो कोई अंक नहीं है, तो ये माइनस का यू बनी हुई चार यू बनी हुई, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे हमारे पास बचेगा चार एक्स माइनस का, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, अब वापस जो इससे पहले हमने प्रक्रिया की थी वो ये नहीं, ये माइनस चार एक्स इससे गुणा होगा तब ये मान प्राप्त होगा, यानी हमारे पास प्राप्त होगा माइनस चार एक्स क्यूब माइनस बारह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स, और अब इसका घटाएंगे, घटाने से मतलब यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस चार एक्स क्यूब और ये माइनस चार एक्स क्यूब का जो प्लस बना ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह माइनस दस एक्स स्क्वायर है, ये चेंज करने पे प्लस का 12 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपके पास में शेष रह गया प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ आप देखेंगे ऊपर 2 एक्स है प्लस में और नीचे का भी चेंज करने पे 4 एक्स प्लस का बच गया, तो ये दोनों ही मिलके आपके पास में हो गए 6 एक्स, और ये शेष अपने ऐसे कैसे उतार दिया प्लस का 2, अब फिर वापस तीसरी स्टेप होती हुई, पहला अंक जो इसका पहला पद है 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर ले लिया कैंसिल हो गया, दो ये दो हमने याद किया वापस ये दो से गुणा किया 2x
स्क्वायर, फिर इससे गुणा किया दो को 6x, फिर इससे गुणा किया दो को तो 2, और इस तरह से हमने वापस घटा दिया इसको, ये 2x स्क्वायर से ये माइनस का 2x स्क्वायर खत्म, ये कैंसिल पूरा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी शेष पर 0 प्राप्त हुआ। शेष पर 0 है इसलिए एल्गोरिथम प्रमेय से 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर ये व्यंजक x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोष्ठक में बंद, और ये दूसरा 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 कोष्ठक बंद प्लस 0, तो हमारे पास शेष पर 0 रहा। अतः हम कह सकते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है।